हेलो, वेलकम टू आवर चैनल ऑल्स ट्यूब। दिस इज़ आवर न्यू ब्लॉग। अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, तो हम कुछ देर पहले ही लंच करके उठे हैं। तो हम बेंगोली इतने लेट में करते हैं नॉर्मली। तो कुछ दिन के लिए मेरा हालत कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो एक्चुअली मेरे मुंह में ओरल इन्फेक्शन हो गया है, तो गम फूल गया है और दर्द भी है। तो मैं वो जो खाना होता है कुछ भी ज़्यादा चबा नहीं पा रही हूँ, तो बस स्वेलो करके ही खा रही हूँ, निगल रही हूँ खाना। इसलिए ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं जा रही है अंदर, इसलिए पापा सोचा कि मुझे फ्रूट जूस बना के देगा। लेकिन इधर मतलब शहरों की तरह ये भी शहरी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डायरेक्ट फ्रूट जूस ज़्यादा ओपनली मिलती नहीं है, तो अगर चाहो तो घर पे बनाना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों ने शायद देखा ही होगा शॉर्ट्स में कि गन्ने की जूस निकल रहे थे मेरे पापा। तो आज गन्ने का नहीं, आज अमरूद का जूस निकलने वाले हैं, और साथ में हम तो बेदाना बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, हाँ अनार, वो अमरूद का जूस और अनार का जूस बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो ये आ गए हम, ये मेरा पापा है और ये मशीन है हमारा जिससे ये जूस बनने वाला है। तो ये अमरूद फ्रिज में था, तो मम्मी ने करीब दोपहर के 2 बजे बाहर निकल के रख दी थी, तो तब से ही है। लेकिन ये ज़्यादा पक गई है, तो शायद इसका अच्छा सा जूस नहीं बनने वाली है, पापा ऐसे ही बोल रहे थे। तो पापा अभी ये स्लाइसेस यहाँ पे रख रहे हैं मशीन में, एकदम ऊपर में एक जगह है ग्लास की जैसा, यहाँ पे वो पहले से ही अमरूद काट के रखे थे पीस पीस करके, वो डाल दिया और ऊपर से थोड़ा सा ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन देख रहे हैं इससे थोड़ा सा प्रेशर दे रहे थे ताकि ये थोड़ा सा नीचे जा पाए। अब ये हैंडल से घुमा रहे हैं, तो घुमाने से क्या होता है, ये जो मशीन का लेफ्ट साइड है और हमारी दिख से ये राइट साइड है, ये इस तरफ ही जाता रहता है और वहाँ से ही प्रेशर के वजह से जूस क्रिएट होती है। और नीचे ग्लास भी रखा हुआ है, और ये ग्लास भी मशीन के ही साथ आई थी, तो नीचे से जूस निकलती है। और ये राइट साइड में जो एक ये वाला पोर्शन जो छोटा सा है राउंड और एक ड्रेन की जैसा, एक पाइप की जैसा, वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट निकल जाती है। तो कुछ टाइम वहाँ से भी जूस निकलती है, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा है, जैसे अभी कुछ ड्रॉप्स निकल रही है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन ये जूस ग्लास में ही आती है। तो ये तो अभी पक्की अमरूद है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रही है, लेकिन जो ज़्यादा टाफ टाइप के फ्रूट्स होते हैं जैसे कि गन्ने, पिछले वर्ष जो जिसकी जूस बनाया था पापा ने, तो इस तरीके का फ्रूट के लिए ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा प्रेशर भी लगती है और उसका जूस निकलना भी टफ भी है, क्योंकि ये मशीन तो ज़्यादा प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। तो उस टाइम पे ज़्यादा सख्त टाइप के फ्रूट के टाइम पे उसे छोटा छोटा करके, बहुत ही छोटा छोटा करके काट लेना पड़ता है। गन्ने के टाइम पे भी वैसा ही किया था पापा ने, पहले काट लिया था फिर इसमें डाला था, और ज़्यादा भी नहीं दे सकते उस टाइम पे। देखिए कैसे फ्रूट जूस निकल रहे हैं, अब ये थोड़ा सा नरम हो गया है ना, इसलिए अच्छा ही। अब ये एक ही अमरूद था, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा जूस तो नहीं निकलेगी, लेकिन फिर भी ठीक है, देखते हैं कितना निकलता है यहाँ से। अब ये एक्स्ट्रैक्ट बाहर निकल आ रहा है, देखते हैं। तो अब ये जो एक्स्ट्रैक्ट निकल रही है, तो अब चाहे तो उसे दोबारा मेन जो पोर्शन है वहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन मतलब ताकि कुछ और बची हुई थी जूस निकल पाए। तो लेकिन ऐसा पापा ने किया भी है और देखा है कि ज़्यादा जूस वैसे निकलते नहीं है, कि पहली बार में ही इतनी ज़्यादा फ्रूट जूस निकल जाती है कि एक्सट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा ड्राई ही होती है। अब तो ये रहा हमारा असली पोर्शन जहाँ से एक्सट्रैक्ट और जूस अलग हो जाती है,
कि ये घूमती हुई चीज़ हैंडल से कनेक्टेड रहती है। अब इसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट लगी रहती है अंदर, जो कि ऐसे खुलकर क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। वैसे डायरेक्ट पानी से तो नहीं हो सकता, तो पहले हाथ से निकल लोगे तो अच्छा रहेगा, मशीन भी अच्छा रहेगा, सेकेंड टाइम यूज़ करने में भी सुविधा होगी। अरे हाँ, जो असली बात है वही बताना भूल गई। जूस तो बन गया था और ज़्यादा तो नहीं बनी, देख ही सकते हैं बहुत ही कम बनी है, लेकिन फिर भी एक ही वो भी पक्की अमरूद से बना हुआ है, तो अच्छा ही हुआ है। अब ये मेरे लिए पापा बनाया था, लेकिन पहली बार बना हुआ है अमरूद का जूस, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा माँ पापा और सोमनाथ को भी दे दूँ, टेस्ट करवाऊँ, इसलिए दी थी। तो सोमनाथ गया है माँ को पिलाने, थोड़ी सी माँ भी बात कर रही है फ़ोन पे, तो आने के वक्त सुनते हैं कैसा लगा उनको। अभी भी मैंने टेस्ट नहीं की है। लो आ गया है, लेकिन ग्लास खाली है तो अभी हम जान पाए कि माँ फ़ोन पे मेरे दादी के साथ बात कर रही थी शायद, तो माँ ने सोचा पूरा का पूरा शायद माँ का ही है, और पूरा ही निगल लिया, पूरा ही खा लिया माँ ने। पापा गए गुस्सा होकर, पूरा बेटी के लिए बनाए थे और पूरा माँ पी ली कोई बात नहीं, थोड़ा सा था नीच में, तो वही हम टेस्ट की, बहुत ही अच्छा था। मेरे पहली बार मैं शायद ये गुआवा का जूस पी रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही अच्छी है। हाँ, थोड़ा सा मतलब क्या कहूँ, हाँ जोलो टाइप की है, लेकिन अच्छा। तो गुआवा का जूस तो मैं पूरा पी नहीं पाई, तो इसलिए पापा ने सोचा कि मुझे अनार का जूस भी पीना चाहिए, क्योंकि कुछ तो पीना चाहिए विटामिन के लिए, तो इसलिए अनार ले आया। मतलब अनार पहले से था, लेकिन पहले वाला थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना था, तो वो नहीं पी सकते, तो वो गया, देख सकते हो आप यहाँ, तो वो नया नया थोड़ा सा है, एक और उससे ही जूस बनने वाला है। तो यहाँ पे सोमनाथ, मैं तो वीडियो बना रही हूँ, और सोमनाथ ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो अलग से ग्लास में रख रहे हैं। अब रखने के बाद पापा जूस बनाने वाले हैं। अब ये एक बहुत ही मतलब टाइम लेने वाली काम है, एक एक पीस काटो, फिर अलग से पकड़ो, अलग से छोटे छोटे टुकड़े निकालो एक जगह पे, और कुछ कुछ तो रेड भी नहीं होते हैं, वाइटिश टाइप की रहती है, तो वो सब देख लेना पड़ता है अच्छा है कि नहीं है। तो यहाँ पे पापा भी आ गए और लग भी गए, दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम हमारा बरामदा में है, तो ये यहाँ पे इतना ज़्यादा मॉस्किटोज है कि क्या ही पता है। तो थोड़ी देर यहाँ पे बिना ऑल आउट के या फिर वो मॉस्किटोज बैठ के बिना रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और वहाँ पे शूट करने पे भी लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, ज़्यादा लाइट नहीं था, शाम भी होने लगी है। तो हम घर पे आ गए हैं, और ये रहा हमारा ग्लास के अंदर वो अनार का वो टुकड़ा, इतना ही हुआ है, काफ़ी है शायद। तो अभी घर पे है, हम बेडरूम में देखते हैं, अमृत तो देख लिया कैसा हुआ है। अब माँ पहले भी ये मशीन आने के बाद पहली बार माँ ने भी अनार का जूस बनाई थी, लेकिन अब वो मतलब बहुत महीना हो गया है, अब देखते हैं पापा कैसे बनाते हैं। तो चलो आ गया ये क्लास के अंदर, घूमने लगाना शुरू हो गया। चलिए आप देखना, ये निकल रही है हमारा जूस, रेड जूस। अभी अनार तो नरम होता है, सॉफ्ट होता है, तो बहुत ही स्मूथली निकल रही है, देख सकते हैं आप। अब ये लीक नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि ये ग्लास के ही एकदम ही ऊपर है, तो कहीं से भी निकले, ये बस जूस ही है, और आसानी से निकल भी रही है, और साइड से वो एक्सट्रैक्ट भी निकल रही है, और फिर से पापा उसको डाल दिया अंदर, देखते हैं कितना, ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा ही रस निकल चुकी है, बहुत आसानी से निकल रही है। और ये गया हमारा एक्सट्रैक्ट। अब एक ही अनार से इतना ही हो गया है,
शायद दो तीन अनार देते तो एक ग्लास हो जाती कंप्लीट। तो इतना तो कौन ही पिएगा, अब देखते हैं कितना अच्छा हुआ है। रेडी है हमारा अनार का जूस घर पे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसको, बस रेडी करने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जूस बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस कुछ ही सेकेंड्स लगते हैं। और बस इतना ही एक्स्ट्रैक्ट निकल चुकी है हमारा, जो कि हम नहीं खाने वाले हैं, पापा ये अभी क्लियर करने बैठे हैं। तो अब मैं टेस्ट करने वाली हूँ ये कैसी बनी है। एकदम प्योर, कोनो ये छिबड़े टाइप का कुछ नहीं, प्योर जूस। तो यहाँ पे मैं यही भूली कि ये बहुत प्योर है, और कोई ड्राई टाइप की चीज़ या फिर टाइट टाइप की चीज़ एक्सट्रैक्ट के अंदर से कुछ आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस लिक्विड ही था और काफ़ी अच्छा ही था जैसा होता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है ऐसे जूस ना बना के डायरेक्ट ही फ्रूट्स खाना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे मुंह में इतना इन्फेक्शन स्प्रेड हो चुकी है, गम में भी बहुत दर्द है, तो मैं अभी नहीं चबा सकती, तो इसलिए ऐसे पीना पड़ रहा है मुझे। लेकिन अदरवाइज मुझे बस फ्रूट ऐसे डायरेक्ट खाना ही ज़्यादा पसंद है। तो अब ये तो मैं टेस्ट कर ली, अब बाकी लोगों को भी टेस्ट करवाना है, देखते हैं उनका रिव्यू। पापा पहले देखते हैं पापा का रिव्यू, पापा को भी अच्छा लगा। अब ये फ्रूट है ही इतना अच्छा, टेस्ट तो अच्छा होगा ही, और ये साथ में बहुत ही मतलब तौरताज़े भी है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। अब सोमनाथ का बाड़ी है, अब इसका अभी हो गया, इसको भी अच्छा ही लगा। अब ये कैमरा पकड़ चुका था तो इसका मुंह नहीं कैमरे की तरफ आ गया, अब ये माँ को देने गया है, देखते हैं माँ का रिव्यू। तो आ गई है माँ, देखते हैं पी के माँ क्या बोलती है। दारू বলো পাঁচের কত পে কত এটা পাঁচে পাঁচে পাঁচ দিতাম কিন্তু পেয়ারা জুসটা খেয়ে যা সব নিয়েছে পাঁচে পাঁচ দিচ্ছি না চার দিচ্ছি। তো মা কবি বহুতই আচ্ছা লাগা, টেস্টি পিওর, থ্যাংক ইউ ভি বলা পাপা কো। আর ইয়া পে সোমনাথ পুছ রহে থে কি পাঁচ মে কিতনা রেটিং, तो माँ चार दी है। वो उसका वजह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वो अमृत का जूस माँ ने पूरा पी ली थी, तो इस वजह से पापा थोड़ा नाराज़ थे, तो बोल दिया कुछ, इसलिए माँ वहाँ से एक नंबर काट लिया है, इसलिए पाँच में पाँच नहीं चार है, नहीं तो पाँच ही मिलता। तो यही है, तो ये रहा हमारा एक दूसरा व्लॉग। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक इंसिडेंट को लेके ही बना डाले फ्रूट जूस बनाने के बारे में। तो कमेंट्स में बताना कैसा लगा, और हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है वो थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हम दोनों का मतलब हम पूरा फैमिली का ही फर्स्ट मैच है क्रिकेट मैच, हम देखने जाएंगे वो भी स्टेडियम में जाके क्रिकेट देखने वाले हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा आईपीएल चल रही है, तो दो दिन शायद जाने वाले हैं, एक तो 6 तारीख को शायद केकेआर और आरसीबी, हाँ केकेआर और आरसीबी का मैच है उस दिन। तो मैं हूँ केकेआर का फ़ैन और ये है सीएसके का फ़ैन, तो हम 23 को भी जाने वाले हैं, केकेआर वर्सेस सीएसके, वही मेन हाई वोल्ट मैच है। तो दोनों का टीम ही अभी दोनों का टीम ही अभी डाउन आउट चल रही है, लेकिन फिर भी केकेआर का फैन हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि आईपीएल शुरू ही नहीं हुआ डाउन आउट, अभी पहला ही मैच खेला है तो क्या डाउन, तो क्या हुआ, फिर भी वो भी तो एक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए ना। फिर भी ये एमएसडी का लास्ट सीजन है, तो फिर भी तो कोलकाता को सपोर्ट करता है, फिर भी सीएसके जीत, सीएसके ही जीते, यही चाहती हूं, नहीं यही चाहती हूं कि सीएसके जीते, लेकिन फिर भी केकेआर का फैन हूं, हमको इंटरनेशनल कप, हां तो मैं तो चाहती हूं, तो क्या चाहती, तो कोलकाता को सपोर्ट कर रही थी, दिल से कोलकाता, दिल से केकेआर, लेकिन चाहती हूं कि सीएसके जीते इस बार। तो हां, और एक बार देखते हैं, तो हमारे चैनल पे दो
टाइप्स की वीडियो आएगा, एक है फैक्ट्स वीडियो और एक है ब्लॉग वीडियो, ठीक है। तो ये ब्लॉग वीडियो संभालेगी, इस वीडियो की एडिट भी करेगी, इसको मैंने सिखा दिया आज तो ये मुझे नहीं लगता मैं करने आज ये करेगी इसका वीडियो, नहीं ऐसा तुझे लगता। और फैक्ट्स वीडियो को मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ, ये भी करती है, ये भी बहुत करता है, टिप टिप होता है सब वीडियो में, टिप टिप होता है। तो फैक्ट वीडियो भी आएगा और ब्लॉग वीडियो भी आएगा, तो ब्लॉग फैक्ट्स वीडियो इसके बाद आएगा, इस वीडियो को अपलोड होने के बाद। तो पता नहीं है कि चैनल में कितना सब कुछ डाल पाएंगे हम, फिर भी देखते हैं कि कितना कितना सब कुछ बनाया जा सकता है। और कुकिंग का भी है, ज्यादा बड़ा मत कर, कलम कर। ओके ठीक है, अगर पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऐसे ही साथ रहो यार, बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, बाय।